सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेजेंटेशन और फंड्स को समझते हैं। बेसिकली कुछ एग्जांपल से समझेंगे। तो पहले एक ऐसे व्यक्ति का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है जो जिससे सभी लोग रूबरू मतलब परिचित है और जानते हैं उनको, तो मैंने उनका एग्जाम्पल यहाँ पे डाला है। तो चलिए आप समझते हैं कि डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी ने IMC बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद वो सिल्वर बने। ठीक बात, वो सिल्वर बन गए। अब यहां से देखिए, पहले तो क्या है, हमारे जितने फंड्स हैं आप सभी लोग समझते हैं कि सुपरस्टार फंड तक आता है, लेकिन लीडरशिप बोनस जहां से शुरू होता है वो होता है सिल्वर स्टार का लेवल। सिल्वर स्टार का लेवल है जी 33% का। ठीक बात, 33% पे एक व्यक्ति जो है पहुंच जाता है जब वो सिल्वर ब्रेक करता है। अब उसको सिल्वर ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस प्लान आप लोग सभी लोग जानते हैं। सिल्वर ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एक सुपरस्टार उसके डाउन में चाहिए और साइड से उसको जो है 20,000 BV करना पड़ेगा। अगर ये वो व्यक्ति करता है तो वो सिल्वर बन जाता है, और जब सिल्वर बनता है तो 33% पे पहुंचता है और यहाँ पे वो हकदार हो जाता है लीडरशिप बोनस का और उसके बाद ट्रैवलिंग फंड। ये दो चीजें जो है उसके हक में आ जाती है क्योंकि अब वो सिल्वर है। अब समझते हैं साथियों कि एक सिल्वर को जो फंड आता है जिसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग फंड, राइट। ट्रैवलिंग फंड यानी जो आप ट्रैवल करते हैं कहीं भी तो उसपे कंपनी आपको एक निर्धारित फंड जो है देती है। ये आता है 3 महीना लेवल मेंटेन करने के बाद 4th महीने से। इस बात को आप लोग क्लियर कर लें। लीडरशिप बोनस आपको सेम मंथ से आता है, लेकिन फंड्स जो है 3 महीने मेंटेन करके 4th महीने से आपको फंड आता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति है जो सिल्वर ब्रेक कर गया, जो सिल्वर बन गया, लेकिन उसने 3 महीने मेंटेन नहीं किया, सिर्फ ब्रेक किया, तो वो किसी भी फंड का हकदार नहीं होगा। बराबर है, क्योंकि 3 months consecutive back to back 3 महीने जो एक व्यक्ति को है maintain करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो कंपनी क्या कहती है इस सिचुएशन में कि आपने इस महीने सिल्वर ब्रेक किया जी, कोई बात नहीं, अगली बार से आप, अब तो आप सिल्वर बन चुके हैं तो आप किसी भी 3 महीने में इसको, इस लेवल को मेंटेन कर लो, 3 months बैक टू बैक आप मेंटेन कर लो, हम आपको फंड देना शुरू कर देंगे। ये बात आप समझिए कि फंड्स कहां से शुरू होता है। आप सिल्वर ब्रेक करने के बाद जब भी 3 महीना कंटिन्यू मेंटेन कर लेंगे तो आपको 4th month ऑनवर्ड जो है फंड्स आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये क्लियर है सभी को यहां तक, बढ़िया, राइट, थैंक यू। तो अब क्या है, आपने सिल्वर ब्रेक किया और 3 महीने मेंटेन किया, अब क्या होगा। मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है, दिस इज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, इट मे वेरी, यानी ये एक लमसम कैलकुलेशन लिया गया है, इतना ही आएगा ऐसा नहीं है जो भी कैलकुलेशन है, लेकिन ये वेरी कर सकता है कंपनी टर्नओवर के ऊपर। ठीक बात है, तो ये वेरी करेगा। अब एक व्यक्ति है जो है सिल्वर, जिसका नाम है डॉक्टर आनंद वाजपेयी। ठीक बात, वो व्यक्ति सिल्वर है। अब उसको, उसने 3 महीने, अब उन्होंने क्या किया, सिल्वर ब्रेक कर दिया और 3 महीना मेंटेन कर लिया। अब 4th month से उनको फंड आना शुरू होगा, तो फंड कैलकुलेट कैसे होगा इसको समझते हैं। सिल्वर को आता है 4% ट्रैवलिंग फंड कंपनी टर्नओवर से। ये हम कहते हैं ये वर्ड, कंपनी टर्नओवर से जो है आपको 4% का ट्रैवलिंग फंड आता है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है कि हम जून मंथ की बात करते हैं, जो जून मंथ पीछे गया है उस महीने में कंपनी का टर्नओवर था जी 20 करोड़ BV। ये एग्जाम्पल है कंपनी का टर्नओवर, मैंने एक मिसाल के तौर पे लिया है ताकि कैलकुलेशन निकल कर आ सके। वो 15 करोड़ हो सकती है, 30 करोड़ भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। तो एक लमसम 20 करोड़ का टर्नओवर पिछले महीने कंपनी का रहा। अब कंपनी टर्नओवर का कंपनी जब ट्रैवलिंग फंड निकालती है तो वो किस प्रकार बांटती है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक सिल्वर व्यक्ति को ट्रैवलिंग फंड कंपनी 70% इक्वल बांटती है सभी सिल्वरों में और 30% लीडरशिप बोनस के आधार पर बांटती है। कैसे, इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारी कंपनी में 200 सिल्वर है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, कितने भी सिल्वर्स हैं। सिल्वर्स इन द सेंस ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग फंड को ले रहे हैं, फिर उसमें क्राउन प्रेसिडेंट भी आ जाता है, उसमें चेयरमैन भी आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग ले रहे हैं ना ट्रैवलिंग फंड, सभी को आएगा। ठीक बात है, जो लेवल मेंटेन कर रहा है सिल्वर एंड अबव, जो भी व्यक्ति लेवल मेंटेन कर रहा है उसको ट्रैवलिंग फंड आएगा। अब ट्रैवलिंग फंड कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, 70% जो फंड है वो सभी में इक्वल बांट देगी। चाहे आप क्राउन प्रेसिडेंट हो, आप सिल्वर हो, आप रूबी हो, आप चेयरमैन हो, हम सबको कंपनी इक्वल बांटेगी। और 30% जो है वो कंपनी क्या करेगी, 30% आपको आपकी लीडरशिप बोनस के आधार पर बांटेगी। ये बात क्लियर समझिए आप, उदाहरण से मैं समझाती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा।
अब कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, कंपनी टर्नओवर मान लेते हैं 20 करोड़ का था, ठीक बात, 20 करोड़ बीवी का कंपनी टर्नओवर था। अब 20 करोड़ बीवी का सबसे पहले तो क्या करोगे आप, 4% निकालोगे। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग फंड कितना परसेंट मिलता है जी, 4%, बराबर है। अब कंपनी क्या करेगी, 20 करोड़ का इस महीने टर्नओवर रहा जी, तो कंपनी उसका 4% जो है ट्रैवलिंग फंड के नाम पर निकालेगी, जो कंपनी ने निर्धारित किया है ऑलरेडी। अब 4%, 20 करोड़ का 4% कितना होता है, करीब करीब 80 लाख, ठीक बात, 80 लाख जो है ये ट्रैवलिंग फंड वालों को बांटने के लिए कंपनी ने निकाल लिया इस महीने की टर्नओवर से। इस महीने की टर्नओवर जो हुई 20 करोड़ की, उससे 4% ट्रैवलिंग फंड बांटने के लिए कंपनी ने निकाल लिया, और ये 4% अमाउंट कितनी हुई, 80 लाख हुई, करीब करीब 80 लाख। अब इस 80 लाख के साथ क्या करेंगी कंपनी, सिंपल करेगी, इस 80 लाख का 70%, जो 80 लाख निकला है फंड ट्रैवलिंग फंड बांटने के लिए, इसका 70% यानी 56 लाख रुपए, 56 लाख होता है 80 लाख का 70%, बराबर है। अब कंपनी क्या करेगी, 70% पैसा सभी जो फंड लेने वाले लोग हैं इक्वल बांट देगी, यानी 56 लाख रुपए 56 लाख जो है कंपनी सबको इक्वल दे देगी, ठीक है। मान लीजिए उस महीने 2000 लोगों ने जो है ट्रैवलिंग फंड क्वालिफाई किया है, तो कंपनी क्या करेगी, 70% पैसा ने 56 लाख 2000 लोगों में इक्वल बांट देगी। अगर एक क्राउन प्रेसिडेंट को 1000 रुपया आया है, तो मुझे भी 1000 आएगा, रूबी को भी 1000 आएगा, सिल्वर को भी 1000 आएगा, 70% फंड इक्वल बटेगा सब में, ट्रैवलिंग फंड का 4% का 70% हम सबको इक्वल मिलेगा। ये पहली कंडीशन है फंड के लिए। अब दूसरा क्या करेगी कंपनी, 70% तो बांट दिया जी हमने लोगों में, अब बचा कितना है जी, 30%। अब 30% पैसा बचा है कंपनी के पास जो ट्रैवलिंग फंड के नाम पर निकाला गया था। 30% अब कंपनी क्या करेगी, 30% अगर आप देखें 80 लाख का 30% क्या होता है, 24 लाख रुपए। अब 30% पैसा कंपनी क्या करेगी, आपकी जो लीडरशिप बोनस होगी उसके बेसिस पर आपको देगी। यहां तक क्लियर है, दोबारा रिपीट करूं उसको, हाथ खड़े कर सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा रिपीट करूं। अच्छा ठीक है, ओके। सबसे पहले तो सिंपल मैनर में मैं बताऊं तो कंपनी क्या करती है, फंड जो है 4% ट्रैवलिंग फंड कंपनी टर्नओवर जो रहा उस महीने उसका 4%। क्यों 4%? क्योंकि ट्रैवलिंग फंड कंपनी 4% देती है, बराबर, 4%। तो कंपनी टर्नओवर का 4% कंपनी ने निकाल लिया। अब 20 करोड़ का अगर मान लेते हैं कि कंपनी का टर्नओवर रहा जून मंथ का, तो 20 करोड़ का 4% कितना हुआ जी, 80 लाख हुआ। अब कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, 4% निकाल लिया अपने टर्नओवर में से, और अब इस 4% में से 4% का 70% पैसा इक्वल बांटेगी कंपनी सबको, 70% पैसा सबको इक्वल बटेगा, और 30% पैसा जो है जिसका जितना बड़ा लीडरशिप बोनस होगा उसको उतना बांटेगी कंपनी, बराबर है। पहली चीज ये समझे आप, अगर कंपनी ने 4% निकाला 20 करोड़ बीवी का, 4% अगर आप पैसा देखें तो करीब करीब होता है 56 लाख रुपए, 56 लाख हो गया, 20 करोड़ का 4% हो गया, सॉरी 80 लाख हो गया, 80 लाख कंपनी ने 20 करोड़ का अगर 4% निकालेगी तो होता है 80 लाख। अब 80 लाख में से कंपनी क्या करेगी, 80 लाख का 70% पैसा इक्वल बांट देगी, ठीक बात है। अब इक्वल किस में बटेगा, 56 लाख निकलता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 लाख का 70% होता है 56 लाख रुपए, जो कंपनी सभी को इक्वल बांटेगी, और जो जिस भी लेवल पे हो लेकिन इक्वल बटेगा। अब उसके बाद जो 30% बचा हुआ पैसा है जो ट्रैवलिंग फंड के लिए निकाला था कंपनी ने, उसका 30% बचा हुआ पैसा कंपनी आपके लीडरशिप के बोनस के आधार पर आपको देगी। अगर अभी मैं दूसरी स्लाइड के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कैसे लीडरशिप पे आता है, क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको, अब देखिए मान लेते हैं ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, एक और क्लिक करो यार। अब देखिए सिंपल है ये, मान लेते कंपनी का एक स्ट्रक्चर है, जो 30% पैसा आता है लीडरशिप के बोनस पे वो कैसे आता है समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 3 लोग हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग फंड लिया है कंपनी में, ऐसे 30,000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, बट एग्जांपल मैंने 3 लोगों का लिया ताकि आप इस बात को समझ पाए,
ताकि आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, कंपनी में मान लेते हैं कि ट्रैवलिंग फंड लेने वाले इस महीने सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, 3 लोग हैं। अब पहले व्यक्ति का लीडरशिप बोनस कितना है? 2000 है। अब देखिए पहला जो व्यक्ति है उसका लीडरशिप बोनस 2000 है, दूसरा जो व्यक्ति है उसका लीडरशिप बोनस 5000 है, तीसरा जो व्यक्ति है उसका लीडरशिप बोनस है 6000। अब मैंने क्या कहा था, 70% पैसा इक्वल बटेगा, 30% पैसा लीडरशिप के आधार पर बटेगा, यानी आपकी जितनी लीडरशिप बोनस उस महीने की होगी उस हिसाब से आपको आएगा। अब 30% पैसा जो है कंपनी कैसे बांटेगी, जो 30% है, अब समझने वाली बात क्या है, तीनों में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीनों में सबसे बड़ा लीडरशिप बोनस किसका है, मिस्टर सी का, तीसरा जो है, आप देखिए उसका लीडरशिप बोनस है 6000 रुपए इस महीने का है वो, फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनी क्या करेगी, 30% जो कंपनी को लीडरशिप बोनस के आधार पे बांटना है वो कंपनी क्या करेगी, सबसे ज्यादा जो बांटेगी वो सबसे ज्यादा लेके कौन जाएगा, मिस्टर सी ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, क्योंकि उसका लीडरशिप बोनस बड़ा है। ये सिर्फ 30% पैसे की बात हो रही है, 70% बढ़ चुका है ऑलरेडी इक्वल, लेकिन 30% बांटेगी कंपनी जब आप का लीडरशिप बोनस जो होगा उस हिसाब से। अब सबसे कम पैसा ट्रैवलिंग फंड का किसको आने वाला है, मिस्टर ए को। क्यों कम आएगा, क्योंकि इसका लीडरशिप बोनस मात्र 2000 है, जबकि है तीनों ही फंड लेने वाले, तीनों को ही ट्रैवलिंग फंड मिल रहा है, लेकिन सबसे कम मिलेगा मिस्टर ए को क्योंकि उसका लीडरशिप बोनस मात्र 2000 है। फिर मिस्टर बी को मिलेगा जिसका लीडरशिप बोनस 5000 है, और सबसे अच्छा ट्रैवलिंग फंड मिस्टर सी को आएगा जिसका लीडरशिप बोनस 6000 है। समझ पा रहे हैं आप लोग, 30% पैसा कंपनी ने कैसे बांटा, जिसका जो लीडरशिप बोनस था उसको उस हिसाब से 30% का पैसा कंपनी ने बांट दिया। अब आप एक चीज देखेंगे कि पहले प्लान में ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ लीडरशिप के आधार पर फंड जाते थे, तो सिल्वर हो गोल्ड हो वो ज्यादा पे आउट नहीं ले पाते थे, तो कंपनी ने क्या किया, 70% इक्वल बांट दिया, ताकि आपका जो सिल्वर है आप गोल्ड है तब भी आपका पे आउट बड़ा हो जाए। तो कंपनी ने ये बहुत अच्छी चीज की है कि केवल 30% लीडरशिप के आधार पर दे रही है, बाकी पैसा जो है इक्वल बांट दे रही है, चाहे आप क्राउन प्रेसिडेंट हो, रूबी हो या सिल्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इक्वल पैसा बांट दिया कंपनी ने। अब 30% जो है जिसका जितना लीडरशिप बोनस उसको उतना आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, मतलब वेरी गुड। ट्रैवलिंग फंड 70% इक्वल बटता, इसको लिखो, 70% इक्वल बटेगा और 30% लीडरशिप के आधार पर बटेगा। ये हो गया ट्रैवलिंग फंड की बात।